दुकाना खोलते हैं, पुलिस साढ़े डांगा मारती है, सानू भजाउंदी है। ये कोरोना एक बहाना है, ये लोगों को खराब करने का सारा ढंग है। जिहड़े बेचारे मंडियां च बैठे है मजदूर, 16 दिन हो गए लिफ्टिंग नहीं की, उन्होंने कोरोना का खतरा नहीं है? तुम लुट कर रहे हो कोरोना का बहाना ला के। पहली गल तो ये उन्होंने तुरंत लिफ्टिंग कराई जाए, और जो ठेकेदार है इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिहड़े अधिकारियों की नाल मिली भुगत है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाजार में अद्धिया दुकाना खोलतिया, अद्धिया बंद करतिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जे तुहानू नहीं पता, जे तुसी अमीर घरे पैदा होए हैं कि रोटी किवें बनती है, तो मैं तुहानू दस दिंदा, हरेक दुकान के उत्ते वो रोटी वास्ते लोग जांदे ने। जे लॉकडाउन करना साडी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, करोना का हल तुहाडे कोल है नहीं, तो मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ, तुसी लॉकडाउन कर लो, पर उस तो पहला 5-5 हज़ार रुपया सारे मजदूरों के, दुकानदारां दे, उन्हां दे कामियां दे, सारयां दी जेब च पाओ। मंडियां च लिफ्टिंग ना होण दे चलदिआं किसान अते मजदूरां नूं आ रहीआं दिक्कतां नूं लै के, ते इस तों इलावा लॉकडाउन दौरान दुकानां खोलण नूं लै के कीती जा रही मंग दे चलदिआं कोटकपुरा दे विच आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार संधवा दे वल्लों दुकानदारां दे नाल मिल के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे बाहर धरना लगाया गया। इस मौके दे उत्ते उन्हां ने पंजाब सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी कीती। इस मौके दे उत्ते विधायक कुलतार संधवा दा कहना सी कि मंडियां दे विच किसानां दी फसलां रुलण नूं मजबूर हो गईआं ने, ते नाल ही लॉकडाउन दे कारण दुकानदारां दा वी बुरा हाल है। जेकर सरकार चाहुंदी है तां लॉकडाउन लगावे, पर इस दे नाल नाल मजदूरां दे वल वी ते आम लोकां दे वल वी ध्यान देवे। अफसरां नूं हुंदा है कि जिहड़े बेचारे मंडियां च बैठे है मजदूर, 16 दिन हो गए इन्होंने लिफ्टिंग नहीं की, उन्होंने कोरोना का खतरा नहीं है? उन्हों का कौन जिम्मेवार है? अज असी इतने डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट में यह कह आए हैं भी पहला तो तुम उन्होंने टेंडर पवा ले, जल ही जोड़े वहीकलों के डाटे लैके, वहीकल है ही नहीं गए, उ टेंडर पवा ले, तो लिफ्टिंग कोई की नहीं है, कणक खराब हो जाती है, वह हर्जा पेगा, जिमीदार आड़ती तोलियां, तुम लुट कर रहे हो करोना का बहाना ला के। पहली गल तो ये उन्होंने तुरंत लिफ्टिंग कराई जाए, और जो ठेकेदार है इन ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिहड़े अधिकारियों की नाल मिली भुगत है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूजी गल यह भी बाजार में अद्धिया दुकाना खोलतिया, अद्धिया बंद करतिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जे तुहानू नहीं पता, जे तुसी अमीर घरे पैदा होए हैं भी रोटी किवें बनती है, तो मैं तुहानू दस दिंदा, हरेक दुकान के उत्ते वो रोटी वास्ते लोग जाते ने, मजदूरी करते उत्थे। जे लॉकडाउन करना साडी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, करोना का हल तुहाडे कोल है नहीं, तो मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ, तुसी लॉकडाउन कर लो, पर उस तो पहला 5-5 हज़ार रुपया सारे मजदूरों के, दुकानदारों के, उन्होंने कामियां के, सारे की जेब च पाओ, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने पाए आ, फिर लॉकडाउन करो। ये नहीं भी अद्धिया दुकाना खोलतिया, अद्धिया बंद करतिया, जब तुम लोगों को आपस लड़ा रहे हो, तो ये सानू कदे मंजूर नहीं। अज असी इत्थे आए सी, कोई अफसर भी नहीं मिल रहा इत्थे, मतलब अफसर भी अंदर पे, अफसरां दा काम है कि लोग परेशान ने, नाल खड़ के उन्होंने परेशानी दूर करना। सो पंजाब सरकार भज रही है, वो सिस्टम तो बाहर नहीं निकलते, ये अफसर पता ही नहीं कित्थे है। सो ये बड़ा वड्डा सानू इतराज है, असीं इत्थे अज बैठे हैं, और लिफ्टिंग का हल करा के जावांगे, दुकानदार का भी हल करा के जावे। तुसीं लोगों को सेंसिटाइज करो ना, लोगों को दसो, करोड़ों रुपये तुसीं इश्तहारां ते लाते आ करोना दे, लेकिन अद्धे पंजाब नूं हजे यही नहीं पता। जो पिंडां जांदे लोग कहिंदे भाई करोना हैगा, हजे एड्डी भयानक बीमारी है, हले तक तुसीं इनफॉर्मेशन ही नहीं पूरी दे सके। ये तुहाडा कसूर है, पंजाब सरकार का कसूर है, लोगों का कसूर नहीं है। और लोगों नूं दसो, लोगों के कामकार चलाओ, लोगों को एहतियात रखण, ध्यान रखण, आपके बच्चों का ध्यान रखण। जान की तो परवाह बंदे नूं हुंदी है सब तो वध, सरकार नूं थोड़ी है ज़्यादा, बंदे नूं भी हुंदी है, पर तुसीं करोना नाल तां पता नहीं कदों मरना, भुख नाल तां अज ही मर जाणगे। सो कृपा करके मेरे हाथ जोड़ के बेनती है भी सारा ना सलाह करके फैसले लिया करो, रोज़ कोई नवा फैसला ना करया करो, भंबल भूसा और लोगों की लुट हो रही है। कल रिक्शे वाले ने फोन किया मैनू भी बसा चला दी, रिक्शे वाले कहने भजो, तो सवारियां घरें किवें जाएंगी बई, रिक्शे वाले तुम कुटी जाते हो, पुलिस उन्होंने कुट रही है, ये भी गलत गल है। सो ये सारिया गलों अज इतने लैके असं आए थे भी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलेंगे, वो पता ही नहीं डिप्टी कमिश्नर कितने है, ना सरकार कितने थे आ, ना सरकार के अहलकार थे आ, इतने तो अंधेर नगरी चौपट राजा। मंडियां की स्थिति सी जिहड़े तुसीं कहिंदे, कि मंडी च स्थिति आई है, नहीं सफाई हो रही? बाई जी मैं अपना मैं आप गया हरिनो मंडी,
मैं कोटकपुरे मंडी गया, जौन वाले मंडी गया, मैं खारे मंडी गया, मैं वाड़े टाके मंडी गया, सारिया मंडिया माल पिया जी, फरीदकोट मंडी च माल पिया जी। तो मतलब ये करप्शन है और कोई गल नहीं। जे इमानदारी ने ठेके देते होंगे जिन्हें को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हूँ तो सब कुछ चक्या जाना सी। तो ये ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, अभी तो बैठे इतने नहीं। तो डी सी साहब मिलना आए थे किताबों वास्ते, किताबों के बच्चे साढ़े को घर फोन आते हैं, असं जे आके दुकाना खोलते हैं पुलिस साढ़े डांगा मार दी है, सानू भजाउंदी है इतों। असं जिवें चोर हो गए, असी साढ़े नाल दुकान जी किरियाने की वह खुली है, साड़ी दुकान बंद है, की गल असी चोर हैं, असी इतों के वसनीक नहीं है, असी की गुनाह किया साढ़े नाल ही कल करोना फैलता। दूजिया जड़िया दुकाना खुलियां हुई किरियाने की दुकान हैगा, दूजी जी मोबाइल की दुकान है, डेयरी है, सब्जी दुकाना, उन्होंने करोना नहीं फैलता। यह करोना एक बहाना है, ये लोगों को खराब करने का सारा ढंग है। मैं पंजाब सरकार तो मंग करदा भी साड़ी गल सुनी जाए, लोगों के बच्चों की पढ़ाई पहले ही खराब बहुत हो गई है, 2 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं जाके वेखे, सानू घरे बैठे बच्चों के फीसा ले जाते, प्राइवेट स्कूलों वाले ने लुट मचाई हुई है, रेंदे खुंदे असी किताबा साड़ियाँ विक नहीं रही, की करनगे लोग वो जिन्हों बच्चे पढ़ते है। असी सरकार तो मंग करते हैं भी सानू दुकाना खोलने का टाइम दिता जाए, असी दुकाना खोल गए ता कि बच्चे जोड़े है, कोई किसी ने कापी खरीदनी है, किसी ने पेन खरीदना है, किसी ने कोई किताब खरीदनी है, वो खरीद सकन तो उन्होंने पढ़ाई का नुकसान ना हो। दस दिए कि पंजाब दे विच लगे लॉकडाउन के कारण सारे ही परेशान ने, दुकानदारों का गुस्सा रोजाना फुटता नजर आ रहा है, लगातार दुकानदार जड़े ने संघर्ष कर रहे हैं कि वह दुकाना खोलना चाहते हैं, पर पंजाब सरकार दे वलों कुछ ही दुकाना खोलन की इजाजत दी गई है। हुण वेखना होगा कि इन्ने विरोध तो बाद पंजाब सरकार अपना फैसला बदलती है या फिर नहीं। स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबरों ते कॉल कर सकते हो। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो, Facebook चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।